नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लोरिंग टाइल कमल वर्मा पर। आज हम आप एक नए टूल के साथ हाजिर हुए हैं कि हम जो पत्थर, टाइल, ग्रेनाइट जो भी हम स्टोन में काम करते थे उसको फिटिंग करने के लिए हमें जो वाइब्रेट करना होता था तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो पहले हम क्या है कि जैसे हमारा ये लकड़ी का 2 फुट का टुकड़ा लेके इससे हम वाइब्रेट करते थे, चाहे वो हमारी टाइल हो, पत्थर हो, ग्रेनाइट हो। लेकिन अब क्या है कि मार्केट में नए टूल आ चुके हैं, तो हमने भी इसी तरह एक टूल मंगवाया है, हमारा टाइल वाइब्रेटर। हम इसे टाइल वाइब्रेटर बोलते हैं, लेकिन जिस रूबी कंपनी का ये वाइब्रेटर है तो रूबी ने इसका नाम रखा हुआ है रूबी ट्रिलर। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे रूबी ट्रिलर की। ये कंपनी ने कैटलॉग दिया हुआ है, इसमें टूल के बारे में पूरी गाइडलाइन दी हुई है। बिल है साथ में। नीचे पीवीसी की प्लेट लगाई हुई है ताकि किसी भी स्टोन पे या टाइल पे कोई स्क्रैच ना पड़े। तकरीबन जो वेट होगा 5 केजी के आसपास है। ये दिखाइए, इधर साथ में स्प्रिंग का इस्तेमाल किया हुआ है कि हमने पुश करना पड़ता है कई बारी ज़्यादा ज़ोर से। तो ये आप देखिए, और अब हम इसको ऑन करेंगे। ये देखिए, दोस्तों बहुत ही कमाल का टूल बनाया है कंपनी ने। और हम आजकल जो हमारा डेसिव में काम चला हुआ है, चाहे वो स्टोन हो, टाइल हो, तो तकरीबन सीमेंट से एक नई तकनीक शुरू हो चुकी है अभी कि डेसिव में काम शुरू हो चुका है हर चीज़ का। चाहे वो हम स्टोन लगाएं, इटालियन मार्बल लगाएं या टाइल लगाएं, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट टूल है ये वाइब्रेट करने के लिए। तो इससे क्या है कि हमें ये बेनिफिट होगा कि कोई भी, जैसे इटालियन वैसे ही हमारा फिलिंग का होता है, तो उसको प्रेस करते हुए हम लकड़ी के उससे कई बार प्रेस करते हैं तो टूटने का ज़्यादा चांस रहता है, ख़तरा रहता है, लेकिन इससे हमारा वो ख़तरा नहीं होगा। और बहुत ही कमाल की वाइब्रेशन आपने देखी भी होगी वीडियो में। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आपको कोई क्वेश्चन या कोई भी आपको हमसे सवाल पूछना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।